बिग बॉस 17 को अभी खत्म हुए अप्रोक्सीमेट 1 महीना ही होने वाला है कि अब भाई बिग बॉस को इसी सीजन 3 को लेकर अपडेट्स आने लगे। तो एक कौन सा कंटेस्टेंट नजर आएगा, कौन सा यूट्यूबर नजर आएगा, कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नजर आएगा, या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी हमें नजर आएगी, अब इसके बारे में भी लगातार अपडेट्स आने लग गए। और भाई ये जो अपडेट है अब जो आया है कंटेस्टेंट्स को लेकर, ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा था एलविश यादव आए थे और मुनावर फारूकी आए थे, इन दोनों के फॉलोअर्स का कितने ज़्यादा हैं हमारे जो सब क्या कहते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर, ओवरऑल भी बात बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। बट अब जिस कंटेस्टेंट का नाम सामने आ रहा है, जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम सामने आ रहा है, वो एक्चुअल में इन दोनों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि यार ये जो हमारा इन्फ्लुएंसर है, इसके अकेले इंस्टाग्राम पर 27.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां पर एलविश के 16.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, मुनव्वर के 13 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं रोहित के लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं इनसे दुगना ही है, हमारे मुनव्वर से तो दुगना है ही है। अब ये है कौन? तो भाई इनका नाम है रोहित जिन जुर्की और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इनको अप्रोच किया गया बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इनको ही अप्रोच नहीं किया गया है, इनके अलावा भी 5 ऐसे और लोग हैं जिनको अप्रोच या फिर जिन्होंने खुद बिग बॉस को अप्रोच किया है बिग बॉस OTT सीजन 3 में आने के लिए। सबसे पहला नाम तो जैसे बिग बॉस खत्म हुआ था वैसे जो सामने आया था वो था विक्की का, कि भाई वो अंकिता के बिना बिग बॉस OTT सीजन 3 में पार्ट लेने की सोच रहे हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं बिग बॉस से, मैं अगले सीजन में आऊँगा OTT 3 में, यहाँ पे मैं खुद अकेले आऊँगा, मैं खुद पार्टिसिपेट करूँगा। तो अब इस चीज़ के बारे में जब विक्की से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा मन है नहीं ऐसा, ठीक है, बट जो भी है जैसा भी है मैं अभी उसको डिनाई भी नहीं करूंगा, हाँ भी नहीं भरूंगा, अभी मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा, जो मेरा वर्क है उस पर फोकस करूंगा। लेकिन उसके अलावा सुरभि ज्योति का नाम सामने आया है, तुनिशा शर्मा के जो केस में फंसे थे या फिर बोलो कि जो एक तरीके से प्रॉब्लम में आए थे, शीजान खान जो अभी खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आए थे, उनको भी अप्रोच किया गया है बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए। तो उसके अलावा हर्ष बेनीवाल, अब वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन उनको भी अप्रोच किया गया है। ऋत्विक साहोरे, इनको भी अप्रोच किया गया, और सबसे ज़्यादा खतरनाक नाम है जैन सैफी का, उनको भी अप्रोच किया गया, लेकिन भाई जैन का आना नामुमकिन है, क्योंकि कई बार ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं, कई बार ऐसे मतलब यूट्यूबर से बातचीत के दौरान या कुछ भी ऐसे टाइम पे उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं नहीं आऊँगा बिग बॉस में, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ होगा कि हाँ भाई चलो अब वक्त आ चुका है कि हाँ बिग बॉस में कदम रखो, तो वो सोचेंगे, वरना वो बिग बॉस के घर के अंदर आने के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच रहे। तो अभी देखने वाली बात काफ़ी ज़्यादा है कि जितने भी नाम सामने आए हैं स्पेशली रोहित का, क्या ये सब हमें बिग बॉस के घर के अंदर नजर आएंगे, या फिर जैसे हर साल होता है हर सीजन होता है नाम निकल कर कुछ और आते हैं, उनमें से एक या दो घर के अंदर आते हैं, तो ऐसा ही होने वाला। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के नामों को सुनकर क्या आपको लगता है, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, किसको अप्रोच करना चाहिए कि भाई उसको भी बिग बॉस के घर के अंदर लेकर आओ, कमेंट करके हमें जरूर बताओ। इसी तरीके से बिग बॉस OTT सीजन 3 और हमारी हर एक अपडेट से जुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे बिग बॉस OTT सीजन 3 का कोई भी लेटेस्ट